मुंबई, असिस्टेंट प्रोफेसर शकुंतला गावड़े द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक नरेटिव एनालिसिस ऑफ भागवत पुराण का विमोचन दिनांक 22 जुलाई 2023 को सेंट जेवियर्स कॉलेज में संपन्न हुआ। इस किताब में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं व अद्भुत चमत्कारों का वर्णन वर्तमान मनोभावों एवं सामाजिक घटनाओं के साथ डॉ. शकुंतला ने बखूबी किया है। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर डॉ. फादर कीथ डिसूजा, रेक्टर, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, बलदेव दास, अध्यक्ष, इस्कॉन मंदिर चौपाटी, डॉ. राजेंद्र शिंदे, प्रिंसिपल, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, डॉ. फादर अरुण डिसूजा, निदेशक, हेरास इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कल्चर, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, जेसिका मेरिट, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन, डॉ. सुमंत रुद्र, डीन एकेडमिक अफेयर, भक्तिवेदांत रिसर्च सेंटर, और शिल्पा छेड़ा, जेवियर कॉलेज म्यूजियम क्यूरेटर की विशेष उपस्थिति रही। यह पुस्तक भक्तिवेदांत द्वारा प्रस्तुत एवं रिसर्च सेंटर और देव पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा प्रकाशित की गई है। अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों ने वैष्णववाद की समझ के साथ पुस्तक के योगदान के लिए अपने गहन विचार और सराहना व्यक्त की। बलदेव दास ने पवित्र ग्रंथ भागवत पुराण के महत्व पर प्रकाश डाला और इस पुस्तक के प्रकाशन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे शोध कार्य होते रहने चाहिए जो आधुनिक युग में अत्यंत आवश्यक है। इससे जनमानस में भक्ति भाव जागृत होती है और सकारात्मकता आती है। एनालिसिस ऑफ भागवत पुराण, ऐसा इस पुस्तक का शीर्षक है। इसकी प्रेरणा तो मुझे मिली है जब मैं अध्यापन कर रही थी भागवत पुराण के बारे में। तो भागवत पुराण का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कृष्ण चरित्र यही उसका मध्यवर्ती बिंदु है। कृष्ण चरित्र तो हम कई सालों से, कई पीढ़ियों से सुनते आए हैं। कृष्ण लीलाएं जो है वो हम सुनते हैं, किंतु केवल अद्भुत कथाएं या चमत्कृति इतना ही मान के हम छोड़ देते हैं और फिर उस पर एक टीका भी होने लगती है, जैसे कि ये तो सिर्फ अद्भुत कथा ही है, इसमें से क्या लेना देना, क्या ये आधुनिक काल से सुसंगत है, क्या ये तर्कसंगत है। तो यह जो पुस्तक है वो वही प्रयास है कि भागवत पुराण में जो कृष्ण चरित्र है, कृष्ण लीलाएं है, उनका अर्थ क्या है। अभी ये अर्थ हमें अलग अलग स्तरों पर दिखाई देता है। सामाजिक अर्थ भी है, तत्वज्ञानिक अर्थ दिखाई देता है, मानसशास्त्रीय हम अर्थ देख सकते हैं। ऐसे विभिन्न अर्थ जो है वो इसकी कथनात्मक मीमांसा करके प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया कि पूतना का जो वध हुआ है बालक कृष्ण के द्वारा, अभी ये जो पूरा प्रसंग है वो हम सुन के एक रोमांचक कथा ऐसे सुन के छोड़ देते हैं, अपितु ये पूतना कौन है। और भागवत जो कहता है कि पूतना को तो मोक्ष मिल गया, पूतना को सदगति मिल गई, फिर ऐसा क्यों है, क्या भागवत कहना चाहता है। फिर पूतना के मन में भी कोई परिवर्तन हुआ था क्या, भले ही वो आई थी कृष्ण का वध करने के लिए, का उसने उसे भेजा था, फिर बाद में क्या उसके मन में परिवर्तन हुआ। तो उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो है वो ज़रूरी है। तो उस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में ये दिखाई देता है कि पूतना जब अपना स्तन्य कृष्ण को देती है उसके मन में परिवर्तन होता है, उसे लगता है यह अद्भुत बालक है, उसमें ममता जाग उठती है और वह एक हम कह सकते हैं माता बन जाती है। और जो कृष्ण की माता है, जो कृष्ण के स्पर्श से पवित्र हुई है, तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा क्या। ये तो एक इंटरप्रिटेशन हो गया, एक अर्थनिश्चिति हो गई। दूसरी अर्थनिश्चिति मैंने ऐसे की है कि पूतना एक रोग का नाम है। सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख, निर्देश दिखाई देता है। पूतना ये जो है वो स्तन्य से ही फैलने वाला एक रोग है। और पूतना का जो उल्लेख, निर्देश है भागवत पुराण में, वो भी बालक घातिनी, बालग्रही ऐसे किया गया है। तो दूसरा भी एक एंगल जिसे हम कह सकते हैं दृष्टिकोण, वो भी दिखाई देता है कि बालग्रही मीन्स देयर वॉज अ बिलीफ ऑन बालग्रहस,
एक लोक कथाओं का जो एक लोक कथा है या फिर बिलीफ सिस्टम जो होती है लोगों की, उसमें बाल ग्रहों पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। इसलिए जब भी बालक का जन्म होता है पाँचवें दिन या छठे दिन हम कुछ ना कुछ रिचुअल्स जिसे करते, बहुत सारी विधियाँ करते हैं क्योंकि इसी किसी की बुरी नज़र ना लगे या फिर दुष्ट शक्तियों का स्पर्श न हो। तो ऐसी भी कोई पूतना हो सकती है, इसका भी हमें एक निर्देश मिलता है। सो पूतना वध जो है वो पूतना मोक्ष ऐसे दिखाई देता है भागवत पुराण में। एंड देन आई हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट पूतना एपिसोड फ्रॉम मल्टीफेरियस एंगल्स। सो लाइक दिस इन दिस बुक डिफरेंट एपिसोड्स आर एनालाइज्ड, लाइक बर्थ ऑफ चाइल्ड कृष्ण, कृष्ण जन्म जो है वो भी बहुत सारी चमत्कृतियों से भरा है। पूतना मोक्ष तो मैंने आपको बताया, फिर यमलार्जुन जो है उनको भी उखाड़ दिया था कृष्ण ने। एक छोटा बालक है वह जो है वो वृक्षों के बीच में से गुजरता है और वो बृहद जो वृक्ष है वो उनका उन्मूलन हो जाता है, तो उनका अर्थ क्या है। फिर बहुत सारे अलग अलग राक्षसों का वध किया, जैसे तृणावर्त है, वत्सासुर है, बकासुर है, आघासुर है, धेनुकासुर, तो उस कहानियों का मतलब क्या है। कालिया मर्दन तो हम जानते हैं, कालियानाग, फिर उसका जो इंटरप्रिटेशन इस बुक में मैंने किया है वो सामाजिक दृष्टिकोण से किया है कि, और एक अलग भी दृष्टि दिखाई देती है। जैसे हम अभी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, पर्यावरण दृष्टिकोण, क्योंकि कालिया ने पूरा जो एक वाटर रिजर्वायर था, एक जल स्रोत जो था वो पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। सामान्य लोग जो है, जन सामान्य जो है वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, वो कृष्ण ने उसे मुक्त कर दिया। सो ही कम्स एज अ फोक हीरो ऑल्सो, एक लोकनायक के मतलब लोकनायक के रूप में भी कृष्ण सामने आता है। उसमें स्पिरिचुअल मीनिंग तो है ही, आध्यात्मिक मीनिंग तो है ही, दिखाई देता है। भागवत की हर एक कथा में आध्यात्मिक अर्थ है, उसके बावजूद कौन कौन से अर्थ है हम देख रहे हैं। फिर गोवर्धन पर्वत को उठाना, एक ही उंगली पे वो उठाते हैं, उसका क्या अर्थ हो सकता है, ये भी मैंने इस पुस्तक में बताया है। फिर गोपी चीरहरण और रास पंचाध्याय, ये महत्वपूर्ण बहुत ही प्रसंग है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी टीकाएँ हमें उपलब्ध होती है, टिप्पणियाँ की जाती है कि अश्लील प्रसंग है। लेकिन फिर अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो दिखाई देगा कि ये जो प्रसंग लिखे गए हैं या कहे गए हैं, कथन किए गए हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही कथन किए गए हैं। मतलब कथन शैली जो है वो ऐसी रखी गई है कि हमें उसका जो अंतर्निहित अर्थ है उसके प्रति जाना होगा। तो गोपी चीरहरणम और रास पंचाध्यायी, ये आध्यात्मिक अर्थ ही हमें लेने पड़ते हैं, व्यावहारिक उसका अर्थ नहीं हो सकता है। फिर भी रास क्रीड़ा की वजह से हम कृष्ण को हमेशा पहचानते हैं कि कृष्ण और रास क्रीड़ा एक अभिन्न संबंध है। तो क्या ये संबंध है एक्चुअली, दैट इज़ मधुरा भक्ति। क्योंकि गोपी जो है वो सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, गोपियां जो है वो मुक्त जीव का एक प्रतीक है। अभी ये मुक्ति की संकल्पना ही अलग है। मुक्ति यानी क्या, मतलब ये जीवन से मुक्त हो जाना, उतना ही मुक्ति का या मोक्ष का अर्थ है क्या? नहीं। भागवत के अनुसार मोक्ष यानी उस भगवान के साथ रममाण होना, उसके साथ कुछ संबंध प्रस्थापित करना। तो भागवत के अनुसार यशोदा, नंद, सारी गोपियाँ, ये सारे मुक्त जीव है और मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। मुक्ति यानी आनंद, इट इज़ अ टोटल ब्लिस। व्यावहारिक जीवन में हम सुख दुख सभी का अनुभव करते हैं, आनंद नहीं अनुभव कर सकते, प्योर ब्लिस इज़ नॉट अवेलेबल टू अस। लेकिन मुक्ति यानी सिर्फ आनंद। और ये जो एपिसोड्स है, गोपी चीरहरणम, रास पंचाध्यायी, दे टॉक अबाउट दैट रिलेशन, दैट स्पेशल रिलेशन ऑफ मधुरा भक्ति, वेयर यू सी गॉड एज योर लवर। आप भगवान को आपके पति के रूप में देखते हैं, क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध होता है वो एक अलग स्तर पे होता है, तन्मयता का होता है। ऐसा संबंध हमें प्रस्थापित करना चाहिए भगवान के साथ, यह संदेश ये दो जो प्रसंग है वो देते हैं। फिर कुब्जा का प्रसंग भी यहाँ पे बताया है। रुक्मिणी स्वयंवर एक प्रसंग जो है उसका मैंने एकनाथ का जो एकनाथ जी जो है जिनका महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो एकनाथ जी का रुक्मिणी स्वयंवर नाम का ग्रंथ है,
तो भागवत के से प्रेरित होकर एकनाथ जी रुक्मिणी स्वयंवर लिखते हैं, तो कैसे वेरिएशंस आए हैं, कैसे उसमें अलग अलग भिन्न प्रवाह आए हैं एकनाथ जी का, और तत्वज्ञान हमें क्या दिखाई देता है वो भी इसमें स्पष्ट किया गया है। फिर स्यमंतक मणि का एक प्रसंग आता है कि कृष्ण पर चोरी का आरोप लगता है, तो फिर ये क्यों लगा? अगर कृष्ण को भगवान मानते हैं, भागवत पुराण में अगर कृष्ण को स्वयं ब्रह्म ही माना गया है, तो ऐसा प्रसंग क्यों आ गया, इसकी भी मीमांसा की गई है। क्योंकि फिर हरिवंश, जैसे कि ये किताब जो है इसमें हरिवंश, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, और उसके बाद भी जैसे मैंने अभी वारकरी संप्रदाय के बारे में बताया, उसमें जो एक विभिन्नता आई है कथानकों के बारे में, कथानकों के विषयों में, उसकी मीमांसा भी की गई है। फिर एक श्रीदामन प्रसंग जो है, जिसे हम सुदामा के नाम से जानते हैं, कि सुदामा जो है वो कृष्ण के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, लेकिन कुछ मांग नहीं पाते, और लौट के आते हैं तो उनको दिखता है सब ऐश्वर्य मिल चुका है, तो ये भी एक चमत्कृति पूर्ण प्रसंग है। तो ये क्या है चमत्कृति? तो इसका एक तर्कशुद्ध विवेचन जो है वो किया गया है, संशोधनात्मक विवेचन जो किया गया है, और इसके लिए जो एक मेथडोलॉजी उपयुक्त की गई है वो है नरेटिव एनालिसिस, यानी कथन शास्त्रीय विश्लेषण। तो भारतीय कथन शास्त्रीय सिद्धांत, उसका उपयोजन किया गया है। उसके ही साथ साथ पाश्चात्य समीक्षक जो है, जैसे जेनेट रोला बार्थ, उनके जो सिद्धांत है उनका भी उपयोजन यहाँ पे किया गया है। तो इस कुछ नरेटिव्स के माध्यम से, कुछ प्रसंग भागवत के कुछ प्रसंगों के माध्यम से ऐसा एक प्रस्थापित करने की कोशिश की है कि पुराण यानी केवल चमत्कृति पूर्ण कथाएं ऐसा नहीं है, उनमें कुछ अर्थ है। तो कभी तत्वज्ञानात्मक अर्थ है, कभी सामाजिक कुछ तत्व उसमें छुपे हैं, कभी कुछ मॉरल टीचिंग जिसे हम कहते हैं नैतिकता जो है वो भी वो सिखाते हैं, या कभी कोई हिस्टोरिकल प्रिंसिपल हम जिसे कहते हैं, कोई ऐतिहासिक संदर्भ, एक घटना घट गई थी लेकिन उसे कहने का जो एक कहने की जो पद्धति थी पुराणों की वो अलग थी। अब हमें इतिहास जो अब हमें पढ़ाते हैं वो एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, वी हैव क्रोनोलॉजीज विच हैपेंड इन दिस ईयर दैट ईयर एक्सेट्रा, बट तभी जो शैली थी हमारे प्राचीन इतिहासकारों की जो शैली थी, जिन्होंने रामायण महाभारत लिखी या फिर पुराण व्यास जी ने ही लिखी ऐसे कहा जाता है, तो ये शैली जो थी वो कथनात्मक शैली थी, जो एक तत्व बताना है इतिहास में घटा हुआ तो वो कैसे बताना है, कथाओं के माध्यम से बताना है। तो कथाओं को सिर्फ हम मनोरंजन का साधन नहीं कह सकते हैं, उसमें कुछ बहुत सारे गहन तत्व छुपे हुए हैं, वो हमें जानना चाहिए, इसका प्रबोधन ज़रूर ये पुस्तक कर पाएगा, ऐसी मेरी मनीषा है। मेन सोर्स तो था भागवत पुराण, फिर उसके ऊपर बहुत सारे व्याख्याएं लिखी गई है, जैसे कि अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, इन सभी संप्रदायों के आचार्यों ने इस पे व्याख्याएं लिखी गई है, तो इन व्याख्यानों का तो मैंने आधार लिया ही है। फिर हरिवंश, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और कुछ अलग अलग जो ग्रंथ है उसका भी एक स्रोत आधार उपयुक्त किया गया है। फिर बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेस, जिन्होंने भागवत पर पहले रिसर्च किया है, पहले संशोधन किया है, वो तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो भागवत के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो इन कथाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने इनका अर्थ क्या जाना है और मैं क्या इसके बारे में बोल सकती हूँ। तो इसके लिए बहुत सारे दुय्यम जो स्रोत है, यानी पाश्चात्य संशोधक और उसके ही साथ साथ भारतीय संशोधक का भी बहुत सारा मार्गदर्शन इस बारे में उपलब्ध हुआ है। यस, अभी तो सिर्फ अंग्रेज़ी में है और इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, एग्जॉटिक इंडिया आर्ट, फिर देव पब्लिशर की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, तो इन सभी से पुस्तक ऑर्डर की जा सकती है। मे बी इन फ्यूचर, भविष्य में शायद इसका प्रयास कर सकती हूँ, क्योंकि
एक मुझे इसमें दिखाई दिया, ये बुक तो संशोधन ऊपर मतलब संशोधन पर बुक पुस्तक है, फिर भी सामान्य जो एक वाचक वर्ग है उसे भी बहुत सारी जानने की जिज्ञासा है कृष्ण चरित्र के बारे में, कृष्ण लीला के बारे में, क्योंकि वो हमारे क्या कह सकते हैं, हमारे रग रग में अनुस्यूत है कृष्ण चरित्र, हम जानते ही है बचपन से, सुनते आए हैं उसमें, तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, सामान्य वाचकों की भी जिज्ञासा है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली प्लान टू ट्रांसलेट इट और राइट यूज़र फ्रेंडली बुक विच विल बी टेकन। हाँ, क्योंकि इसमें अभी मैंने प्रसंग बताए वो सिलेक्टेड ही थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी मीमांसा करनी थी, तो अभी तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, लेकिन बाय कृष्णज लॉर्ड कृष्णज ग्रेस इफ पॉसिबल मैं चाहूँगी कि और, क्योंकि भागवत तो एक अथांग समुद्र की तरह है, तो उसमें से और भी मैं कुछ प्रसंग लूँ, और तो देखेंगे 2 volumes या 3 volumes में भी शायद ये प्रकाशित हो सकती है। थैंक यू।